अचानक नहीं होता है, अचानक होता है जब कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा। लेकिन हर चीज को करने के लिए जीवन में समय लगता है, वास्तव में मेहनत लगती है। ख्वाहिशें ऐसी नहीं है कि तुरंत पूरी हो जाए, ठीक है, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। सो इस तरीके से जीवन में हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास बायोलॉजी सेट सीरीज की। सो अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो टॉप 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इस टॉप 20 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन किसी ना किसी वर्ड पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि पुस्तक या बुक जिनेरा प्लांटेनम लिखी है, तो ये लिखी है बेटा बांथम तथा हुकर ने। किसने लिखी है? बांथम और हुकर ने। तो जिनेरा प्लांटेनम बांथम और हुकर ने लिखी थी। क्लासिफिकेशन पे ये निर्भर होती है बुक, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी है, तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो वो कैरोलस लीनियस ने लिखी। किसने लिखी है? कैरोलस लीनियस ने लिखी। तो ये पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है कि फिलोसफी ऑफ जूलॉजी की पुस्तक लिखी है, तो वो लैमार्क ने लिखी है। जीन डीन पिपिस्टे डी लैमार्क ने लिखी है। साथ ही साथ एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये पुस्तक मेंडल ने लिखी है। तो इतना पुस्तकों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो ये बेटा प्रोटिस्टा से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? प्रोटिस्टा से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ये वाटर ब्लूम के लिए उत्तरदायी होता है या एल्गल ब्लूम के लिए भी उत्तरदायी होता है। कैसा होता है? प्रोटिस्टा से रिलेटेड है, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट होता है। इतनी बात आप इस संदर्भ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टोरेबिलाई कोन्स पाया जाता है, तो स्टोरेबिलाई कोन्स जो होता है वो टेरिडोफाइट्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, और इसी कोन से आगे चल करके मतलब जर्मिनेशन के थ्रू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो होता है इक्विसिटम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इक्विसिटम में पाया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। वैसे ही प्रोथैलस भी टेरिडोफाइटा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, कहता है कि कोकोनट फ्रूट होता है, तो कोकोनट का फ्रूट क्या होता है? ड्रूप होता है। क्या होता है? ड्रूप होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये बात याद रखनी। अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन इससे पूछ जाता है फॉल्स फ्रूट होता है, तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? एप्पल हो गया, ठीक है, यानी कि सेब अनानास, ठीक है, केला संतरा मतलब संतरा, ये सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट के, असत्य फल के होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पेंगुइन्स पाई जाती है, ठीक है, तो पेंगुइन्स पाई जाती है अंटार्कटिका में। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टर्गा स्टर्ना प्लूरा काक्रोच की बॉडी से ज्वाइन होता है, किस पार्ट से? तो एक इसमें होती है आर्थोडियल मेम्ब्रेन, आर्थोडियल मेम्ब्रेन से टर्गा स्टर्ना और प्लूरा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल्बियानी रिंग, ठीक है, जिसे एक पफ बोलते हैं, बल्बियानी पफ, ये साइट्स होती है, किसकी होती है? तो बल्बियानी रिंग आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं, सिरे हैं। क्या है? बल्बियानी रिंग आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स या सिरे होते हैं। बल्बियानी रिंग जो होती है, बल्बियानी एक क्रोमोसोम में बेसिकली होती है, और ये हनी बी में ये पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है और बैंड्स के रूप में होता है बेसिकली, तो साइटोजेनिक स्टडी के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और
ये बेसिकली डार्क एंड लाइट बैंड्स में होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि नॉन प्रोटीनस एंजाइम होता है, आ प्रोटीनस एंजाइम कौन सा है, तो नॉन प्रोटीनस एंजाइम राइबो एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, राइबो एंजाइम। अब कोई भी ये ना समझ ले कि राइबो एंजाइम प्रोटीनस एंजाइम होता है, क्योंकि राइबोसोम से रिलेटेड मतलब नाम है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है नॉन प्रोटीनस एंजाइम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, राइबो एंजाइम होता है, ठीक है, बस याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल डिवीजन में सिंथेसिस में पाया जाता है, तो कह रहा है कि मान लीजिए सिनेप्सिस एक होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन में सिनेप्सिस पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े तो उसमें एक क्या हो जाता है, सिनेप्सिस इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है, सिनेप्सिस क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर अटैच अ वन स्ट्रक्चर, दैट इज अ सिनेप्सिस, ठीक। नेक्स्ट है, गुटेशन होता है, गुटेशन मतलब विंध्रोस्त्राव, मतलब किसी भी प्लांट से पत्ती में, ठीक है, या उसके किस पार्ट से बूंद का मतलब गिरना, ठीक है, बिंदु स्त्राव कहलाता है, गुटेशन रूट प्रेशर के द्वारा होता है, ठीक है, क्या होता है, रूट प्रेशर के द्वारा होता है, तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रेट सॉइल को रिड्यूस करता है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो मिट्टी में नाइट्रेट के सॉइल मतलब नाइट्रेट को क्या करे, रिड्यूस करे या कम करे, उसे बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, क्या बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर, तो ये बात याद रखनी, ये क्या करेगा, सॉइल या मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा को कम करता है। साथ ही साथ आप लोग गोबर गैस में जो यूज किया जाता है वो मेथेनोबैक्टर होता है, क्या होता है, मेथेनोबैक्टर होता है, तो ये बात याद रखनी। अच्छा, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि मेथेनोबैक्टर का प्रयोग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण के लिए भी किया जाता है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक। गोबर गैस में जो प्रयोग, गोबर गैस का जो प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में भी किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है, तो पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है, वो स्ट्रक्चर आप बताइए, तो क्लोरोप्लास्ट में ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड यानी थैलेकॉइड के ल्यूमन पार्ट में प्रोटॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का जो कोर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, चार ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथवे में टोटल एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो कितना होता है, एटीपी हो कितना, 8 ATP, तो इसे याद रखेंगे। रिस्पायरेशन के, ठीक है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी कितना अगर देखा जाए एक तरीके से 6+2 8 ATP होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि एपिकल डोमिनेंस के लिए उत्तरदायी होता है, तो शीर्ष से जो डोमिनेंस होता है, शीर्ष भाग से कोई भाग निकल जाना, उसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, शीर्ष से कला, तो अब इसके लिए IAA, तो इसके लिए इंडोल एसिटिक, तो इसके लिए बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड काम करता है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ऑक्सिन का ही एक फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं IAA, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेस कैस्टर हार्ट में होता है, तो अभी तक हम लोगों ने बार बार पेस मेकर पढ़ा था, जिसे हम लोग बोलते थे एसओ नोड, साइरो एट्रियल नोड या साइनो आरिकुलर नोड, दोनों नाम होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है पेस कैस्टर क्या होता है, देखिए मिलता जुलता शब्द है और मिलते जुलते ही काम भी है, तो ये होता है एबी नोड, क्या होता है, एबी नोड, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तो इसे क्या बोलते हैं, पेस कैस्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेस कैस्टर, तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैक्रोमियर होता है बेसिकली, तो बेसिकली सैक्रोमियर क्या होता है, पार्ट बिटवीन द टू जेट लाइन, तो ये क्या होता है, पार्ट बिटवीन द टू जेट लाइन, कहने का मतलब है जो जेट लाइन होती है मसल्स में वो ए और मतलब कई सारे बैंड्स में होती है, तो सार्कोमियर जेट लाइन्स के बैंड्स में वो होता है, वो जो डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं उसे बोलते हैं सार्कोमियर। नेक्स्ट है, निजल्स बॉडी मुख्यतः बनी होती है,
तो निजल्स बॉडी जो होती है वो फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती। तो फ्री राइबोसोम ठीक है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर ये बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजमेंट होता है तो स्मॉल पॉपुलेशन का, किसका होता है बच्चों, स्मॉल पॉपुलेशन का, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि इसके जीन में बेसिकली चेंजमेंट आ जाता है, एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन भी इसे हम कर सकते हैं, एंड स्वेल इफेक्ट एक होता है ठीक है, उससे रिलेटेड भी होता है। मतलब स्मॉल पॉपुलेशन में जीन के रेफरेंस में अगर चेंजमेंट आ जाएगा या नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू तो उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी एक्ट प्रपोज किया गया था सबसे पहले कब दिया गया था, तो 2000 में ठीक है, 2000 में क्या दिया गया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट दिया गया था, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में फिर से टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला, थैंक्स अगेन एंड keep watching।